शामला जमीन नू लेके सरपंच ने किते वड्डे खुलासे। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲਾਟ ਬੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਸਾਰੀ ਕਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਫਰਦ ਗੁਰਦੋਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। शामला जमीन नू लैके सरपंच ने किते वड्डे खुलासे ते पूरे पिंड दी निशानदेही कराउण दी कीती मंग। सरपंच अनुसार पिंड जखेपल दी 13 बीघे जमीन आबादी वधदी है ते इस तों इलावा 65 बीघे जमीन शामलाट है, जिस विचों 30 बीघे पिंडां दे लोकां दे कब्जे विच है, जिस विच उहनां दे मकान बने होए ने। मौजूदा सरपंच अनुसार जो मकान उसने बनाया होया है वह उसकी मलकियत की जमीन है, ते मकान का कुछ हिस्सा उसने रचना राम पुत्र फकीरिया राम तो खरीदया होया है, जिसते केस नंबर 421 फैसला 2 नवंबर 1988 राही उसके हक विच होया है। इस तो बाद धड़े के आगू बलविंदर सिंह उर्फ सोनू वालों निशानदेही दरखास्तां दित्तियां होईयां हन। विरोधी पार्टी उसनू बिना किसी कारण तो दरखास्तां दे के परेशान कर रही है। जदों विरोधी पार्टियां झूठियां दरखास्तां देने तो ना हटिया तो उसने सारे पिंड की निशानदेही कराउण दा पहला ही मिति 7 अक्तूबर 2020 8 फरवरी 2021 नूं डायरेक्टर पेंडू विकास अते पंचायत विभाग पंजाब नूं दित्ती होई है, तां जो जल्द तो जल्द पूरे पिंड की मिनती हो सके। इस तों इलावा मौजूदा सरपंच ने खसरा नंबर 322 329 345 351 की मिनती पहला भी सैटेलाइट राही करवाई गई है, जिस विच शेर सिंह पंच, उत्तम सिंह नंबरदार, अमर सिंह, तरसेम सिंह, प्रीतम सिंह, जसवंत सिंह पंच पुत्र बाला सिंह, राम मूर्ति पुत्र करनैल सिंह, राजकुमार पुत्र लेखराज, अनुपम पुत्र सुखजीत खिलाफ बनती कार्रवाई की अपील भी की हुई है। वरिंद्र कुमार भाजी, मैं मौजूदा सरपंच का बेटा, मम्मी मेरे सरपंच है, प्रकाश कौर ना पंच है। जगह भाजी सरपंच साहब केस जित गए थे, तो इन्होंने ढोआई नहीं हैगी, तो उस तो बाद धर्मशाला बना दिया, तो बहुत वधिया काम कराया भाजी, शैड भी पाता धर्मशाला बना दी। धर्मशाला बन गया भाजी, एक मेन रस्ता सीगा जिहदा इशू सीगा, सारा पिंड लंघदा सीगा, वो रस्ता नहीं निकल रहा सीगा, छड्ड नहीं रहे सीगे ओपोजिट पार्टी। लाइटां भाजी ठीक है, लाई सीगी, कुछ बंदे इतराज करते सीगे उसका, तो फिर भी कराया है जिन्ना हो सका असीं कीता है भाजी। ओवरऑल पिंड दे सरपंच भाजी बेस्ट है भाजी, मतलब 100% नंबर देने चाहेंगे इन्होंने, बहुत वधिया है भाजी। जगह जिहड़े सरपंच साहब ने नार है दबी हुई है, ठीक है जी, इन्होंने भाजी परचेज की दबना, तो उन्होंने कह सकते हैं कि जाके कब्जा कर लिया, जिद जब इन्होंने को कागज पे आ सारे, इन्होंने खरीदी हुई है चौथी जगह भाजी, उन्होंने आप दबना नहीं कह सकते मेरे हिसाब से भाजी। देखो इतराज वाली तो गल है नहीं, बट जी सुलन गल है जो पिंड बसा से 13 बीघा से, हूँ पिंड 45 बीघे हो गया आबादी वधन करके, क्योंकि आबादी घट सी पहला 13 बीघे से, हूँ 13 बीघे वाला 45 बीघे है, तो नॉर्मल जी गल थोड़ा आप पता होगा कि ये तो फिर लगभग सारे ही इनलीगल बैठे आ। देखो जी एतराज तो बिल्कुल नहीं है, सानू बिल्कुल तुसी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम सुचा सिंह है जी, पिंड चखेपल दे सरपंच आ मौजूदा जी। साडे पिंड च 13 बीघे आबादी वाली जगह जी, 30 बीघे के लगभग पिंड की सामलाट लंबरी जमीन है जी, ते ओदे विच भी लगभग सारे पिंड ने घर पाए हुए, कब्जा करया होया, साडे विच साडे पिंड विच सामलाट बेली जमीन किते नहीं बची, सारी कबर हो चुकी है। तुहाडे खिलाफ क्यों पिंड दे जिहड़े कुछ बंदे आ बोलदे ने वी इन्हां ने कोई कब्जा कीता? आ तां वोटां दी रंजिश करके पाए जी, जिहड़ा बलविंदर सिंह मुंडा मेरे खिलाफ चोणां 'च खड़िया सी,
उस करके आ हार गया, उस करके बार बार मेरे ते दरखास्तां देई जा रहा जी। तो पिंड च साडे बड़ी अमन शांति आ, कोई रोला नहीं थोड़ा नहीं, सब कुछ कम चल रहा जी ठीक ठाक। असी दा खरीदी हुई आ जिहड़ी शुरुआत ना, जिहड़ा बलविंदर सिंह दा फादर सी सुरमुख सिंह, उसने करी हुई पिंड दी। शमशान घाट हुंदा जी साडे पिंड दा, उह इहने अपना कश्मीर सिंह नूं लगभग 1970-80 दे विच इहने उहनूं बेचिया जी। चार बीघे जमीन इन्हों की लंबरी सी, बिच दो बीघे इन्होंने शमशान घाट की उन्होंने कब्जे के तौर पर पैसे लेके देती सी। उस तो बाद जो 219 का आ रोला पाई जाते हैं, आ जड़ा अपना लंबड़दार रखा सिंह होंगे जी, आ बेचा जी समाणे वाले उन्हें, समाणे वाले ने बेचा अगे गुरचरण, गुरचरण तो असी इनू बे खरीदया जी। तो आह अपनी मालकी आदि कोई किसी तरह का रोला नहीं बोला नहीं, साढ़े न फर्द बरदोरी सारा कुछ साढ़े बोल दी आ, जान बुझ के परेशान करी जाता भी पिंड च मैनू हराया क्यों गया जी। देखो जी साढ़े पिंड कोई बरात आने का किसी भोग का किसी का कोई हिला नहीं, लगभग 50 साल तो सरपंच बने आ रहे थी। मैं सोचा भी सारा तो पहला असं धर्मशाला पावे, धर्मशाला की जगह उत्थे अनुपम कुमार ते अमरजीत इन्होंने तीन चार भरावान ने कवर करी हुई है जी। वह असी केस पा के उतो जी जिथे अगे छप्पड़ी पट्टी सी वो मिट्टी पा के असी धर्मशाला पाई, जिहड़ी इन्होंने धर्मशाला की जगह दबी हुई अज भी दबी हुई, वह असी हले तक कब्जा नहीं इन्होंने सानू दिया। जो 328 नंबर साढ़ा 3 बीघे 9 बिस्वे का है, आह उत्तम सिंह टहल सिंह 5-7 बंदे होर जिन्होंने ये कब्जा करके मकान पे, जाने के 328 नंबर से सारे च मकान पे हुए अज भी। डायरेक्टर साहब नूं दरखास्त दई सी ते अपने दूजे महीने च दई भी फरवरी के 21 दे विच, ते उहदी हले तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਰਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਬਰਾਨ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਜਦਕਿ 30 ਬੀਘੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਢੁਆਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ 2 ਗੇਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 218 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਆ 218 ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਈ ਸਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 219 ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ 3 ਹੱਦਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੇ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ 60-65 ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਨਗੇ ਜੀ, 65 ਘਰ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਿਨ ਨੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ। 105 ਘਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਘਰ ਨਜੇਜ ਬੈਠੇ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 24।